इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जाल, डाकुओं ने कर दिया शहरियों को कंगाल। एक हफ्ते में चोरी डकैती समेत 150 से ज्यादा वारदातें हुई हैं। शहरी कीमती गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, मोबाइल फोन्स और जेवरात से महरूम हो गए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की 10 वारदातें रिकॉर्ड हुई और पोस्ट सेक्टर समेत मुख्तलिफ इलाकों में फोन छीनने की 35 वारदातें हुई। एक हफ्ते के दौरान 10 गाड़ियां और 68 मोटरसाइकिलें चुराई गईं। चोरी की 47 हुई। शहरी लाखों रुपए और जेवरात से महरूम हो गया। इस्लामाबाद में जहां पर कंटेनर्स का जाल है, वहीं पर डाकुओं ने शहरियों को कंगाल कर दिया है। एक हफ्ते में चोरी डकैती समेत 150 से ज्यादा वारदातें हुई हैं। शहरी कीमती गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, मोबाइल फोन्स और जेवरात से महरूम हो गए। मजीद तफसीला जानेंगे एहतशाम अब्बासी से। बताएगा एहतशाम, अदाद शुमार क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी पुलिस कंटेनर लगाने में मसरूफ रही, जबकि डकैत गैंग ने शहरियों को कंगाल करना शुरू कर दिया। आपको मैं एक हफ्ते की रिपोर्ट कर बताता चलूँ तो एक हफ्ते में चोरी, डकैती, मोटरसाइकिल और कार चोरी की 150 से ज्यादा वारदातें हुई हैं। कैपिटल में तकरीबन जो इलाका है इन रेड जोन में शामिल किया 0 पॉइंट तक, उसके बावजूद जो है वारदातों में इजाफा हो रहा है। की बड़ी वजह यह है कि पुलिस जो है, जो काम उनका है वो कर नहीं रही। 86 लोगों की गिरफ्तारियां, धरने के लोगों को रोकना, लॉन्ग मार्च के लोगों को रोकना, कंटेनर्स की जो है ना हिफाजत करना, इसके अलावा इनके पास कोई काम रहा नहीं। और उस दौरान जो है शहरी लुटते रहे और जो है इस्लामाबाद पुलिस की जाने से एहतशाम अब्बासी इस हवाले से आगाह कर रहे थे आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से, और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल देख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जेक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।